अल्लाम वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम बनाएंगे मटन यखनी पुलाव की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे मटन को बॉईल करने के लिए इसमें हम मटन ऐड करेंगे और एक लीटर पानी डालेंगे इसमें एक चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट डालेंगे आधा चम्मच नमक डालेंगे और दो से तीन साबित हरी मिर्च डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डालेंगे और कवर कर देंगे पाँच सीटी होने तक ये देखिए पाँच सीटी होने के बाद गोश्त अच्छे से कुक हो चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे इसमें से और हम इसी पानी को पुलाव बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे तब तक हम अखनी पुलाव का मसाला रेडी करेंगे वन टीस्पून स्पून सौंफ वन टी काली मिर्च वन टीस्पून शाही ज़ीरा दो दालचीनी के टुकड़े पाँच से छः हरी इलायची पाँच से छः लौंग और थोड़ा सा जायफल जावित्री ले लेंगे और इन सब का फाइन पाउडर बना लेंगे इस तरह से अब हम पुलाव बनाने के लिए एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें एक कप ऑयल ऐड करेंगे सबसे पहले इसमें एक टीस्पून स्पून शाह जीरा डालेंगे दो दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे और दो से तीन हरी इलायची और दो तेज़ पत्ते भी ऐड करेंगे और वन टीस्पून काली मिर्च डालेंगे साबित और इनको तेल में अच्छे से सॉटे कर लेंगे अब हम इसमें तीन मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे और इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज का कलर गोल्डन आने तक इसको फ्राई करना है प्याज़ अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसमें बॉईल किया हुआ मटन ऐड करेंगे और उसको तेल में दो मिनट तक अच्छे से फ़्राई कर लेंगे वन टीस्पून अदरक लहसन का पेस्ट डालेंगे वन टीस्पून नमक और ये दस से बारह हरी मिर्च है इसको पीस कर इसका पेस्ट ऐड करेंगे ये ज़्यादा तीखी नहीं है टू टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें हाफ कप दही ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे दही पकने के लिए हम इसको कवर कर देंगे दो मिनट तक अब हम इसमें रेडी किया हुआ अखनी पुलाव का मसाला ऐड करेंगे टू टीस्पून स्पून वन टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे दो मिनट के लिए मटन प्रेशर कुकर में ऑलरेडी कुक किया हुआ है इसलिए उसको ज्यादा पकाना नहीं है बस मसालों के साथ कुक करना है थोड़ा सा अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे उबाल आने तक ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे मैं यहाँ पर दो कप के आसपास चावल ले रही हूँ इसलिए तीन कप पानी ऐड किया है मैंने यहाँ पर चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे हाई फ्लेम पर रखकर इस पॉइंट पर आप नमक टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम वन टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसमें हम चार से पांच खतरे केवड़ा एसेंस के ऐड करेंगे इससे पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी अगर आपके पास हो तो दालें वरना स्किप कर दें ये ऑप्शनल है अब हम इसको दम होने के लिए कवर कर देंगे पाँच मिनट तक लो फ्लेम पर रख कर ये देखिए चावल अच्छे से दम हो गया है अब हम इसको डिश आउट करेंगे सर्व करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी हुई प्याज से गार्निशिंग करेंगे इसकी और इसको दही के रायते के साथ सर्व करेंगे बहुत ही टेस्टी पुलाव है तो आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे रेसिपी के साथ तब तक अल्लाह हाफि